नमस्कार मु मिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज मु आपण माने पई सोया बड़ी तरकारी रेसिपी नेके आछी। एई सोया बड़ी बा सोया चंक्स तरकारी को मु पूरा मटन स्टाइल रे बनेची, तो खाइला बळे आपण को एटा पूरा मटन परी फील हबो। तेमिति तरकारी बनिया पई वीडियो को लास्ट जे देखंतु। चालो जे रेसिपी स्टार्ट करबा। प्रथमे गैस उपर गोटे कड़ई बसेबा, से दुई बड़ चामच सोरिष तेल दौची। जदि आप सोरिष तेल खाऊन थे रिफाइन तेल भी नहीं पारे, कि सोरिष तेल में बहुत बढ़िया टेस्ट आसो। तेल भल भाव गरम होगापर आम आलू को भाजिक बाहर करदे। ये मो तरकारी आलू दे कि बनई, आपड़ चाहिए बिना आलु भी ये तरकारी को बनई पारे। ये देखते मो तीनटा छोट सर आलू को फाड़ फाड़ करके नहीं चोपा भी छड़ेनि आलुर। एवं आलू को भल भाव लाल करके भाजदे। किसी समय भितर देखिए आलू पूरा भल भाव लाल होकर भाजी गला। मो आलू को मीडियम टू हाई फ्लेम रे ही भाजीची। तो ये आलू को गोटे प्लेट को बाहर करदे। ये देखते से कड़े जो तेल अच्छे से किसी गोटा गरम मसला प्रथम देदे। गरम मसलार गोटे डालचीनी, दुटा तेजपत्र, गोटे स्टार फूल, तीन टू चार छोट गुजराती, जी आप बड़ गुजराती दूसरे गोटे देते, तीन टू चार लवंग, पांच छा गोलमरच। एबे से सोया बड़ी बा सोया चंक्स को देदे। ये मुझे गोटे कप सोया बड़ी को सीझे कि नहीं। सोया बड़ी को सीझेला बेले मुझे केवल लुण पकई थी, ताको भल भाव पाने गोटे दुईथर धोईकी भले से चुपुड़ी नहीं आम भल भाव लाल करके भाजवा। जेहेतु ये मुझे सीझेला बेले लुण दे, तो ये लुण देवी खाली हलदी गुंड काश्मीरी लंका गुंड देवी। मुझे अधा छोट चामच लेखा दूची। तापर आपको भल भाव मिसेकी पूरा लाल हवा जाए भाजबे। एमती गोटा गरम मसला सहित तो मिसेकी भाजिले सोया बड़ी रे बहुत बढ़िया फ्लेवर सहित तो बास्ना आस जाए थे। किसी समय भितर ये देखिए बहुत बढ़िया भाव लाल होकर भाजी गला। ये देखू तो ये आपको गोटे प्लेट को बाहर करदे। ये पड़ा गोटा गरम मसला को बाछिकी अलग करदे। आम ये गरम मसला को पुणी थे यूज करवा। तापरे सही कड़ाई रे दुई रु तीन बड़ चम्मच सोरिष तेल दौची। तेल भल भाव गरम होगापर एवं से गोटे छोट चम्मच चीनी दौची। चीनी देले बहुत बढ़िया टेस्ट और कलर आसो तरकारी रे। तापरे दीटा मीडियम साइज रो प्याज को एमती पूरा फाइन चॉप करके दे दौची। एवं ये प्याज को पूरा भल भाव लाल हवा जाए भाजवा। ये आपड़ गैस रो फ्लेम को मीडियम टू हाई भितर रखिबे। किसी समय भितर देखु प्याज पूरा बढ़िया भाव लाल होकर भाजी गला। भल भाव भाजी गला अदा रसुण पेस्ट देदे। ये मुझे देढ़ बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट को दूची। या भल भाव कसवा। ये आप गैस रो फ्लेम को मीडियम टू लो करदे, ना मसला गुड़िक पोड़ जब। एवं बाछिक रखा गोटा गरम मसला को दे दूची। तापर पुणी थे आपको दुई रु तीन मिनिट खंडे भल भाव कसबे। ये दुई तीन मिनिट हो मसला कसबार। एवं टमाटर देदे। ये मुझे दुईटा मीडियम साइज टमाटर को प्यूरी करके चाहिए चॉप करके भी देपारे। टमाटर दे सारापर मसला सहित भल भाव मिसेदे। ये आप गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई भितर रखिए। तापर ये बाकी सब मसला को देवा। प्रथम ये मुझे स्वाद हिसाब से लुण दौची। अधा छोट चामच हलदी गुंड दौची। गोटे छोट चामच लंका गुंड दौची। आप जी राग खाऊ से हिसाब से देवे। दुई छोट चामच धनिया गुंड दौची। तापर अधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड दूची भल कलर आसवाप। यहाँ पूरा ऑप्शनल अच्छे। तापर लास्ट रे देखु दुई छोट चामच ये मीट मसला दूची। मीट मसला देले बहुत बढ़िया बास्ना आसते तरकारी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आसे। तापर आपको भल भाव मिसेकी आउ दुई रु तीन मिनिट भलसे कसीदेवे। दुई मिनिट कसला आपको कवर करके लो फ्लेम रे गोटे दुई मिनिट पर छाड़दे। ये पखापाखि दुई मिनिट पर मसला प्राय कसी आसला। तो ये भाजिकी रखा सोया बड़ी आलू को देदे।
ସୋୟାବଡ଼ି ଆଉ ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଜମା ବି ପାଣି ଦେଇନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ କି ମସଲା ତଳେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦେଇନି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କଭର କାଢ଼ିକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି କାରଣ ଏଇଠି ମସଲା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 1/2 କପ୍ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ କଭର କରିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମସଲାକୁ କଷିବେ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲାରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଲାଣି। ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଇଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବେ। ତରକାରୀ ଏଇଠି ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଭଜା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନଥିବ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 7 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀର କଲର୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଗ୍ରେଭି ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ଗରମା ଗରମ ସୋୟାବଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆକୁ ରୁଟି ଭାତ ପରଟା ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।